हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर जिला में विभिन्न स्थानों पर घरों में पानी निकलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फर्श पोछा लगाने के बावजूद गीले रह रहे हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं तो कुछ भूकंप आने का संकेत। कई लोग इसे दैवीय प्रकोप भी बता रहे हैं। आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना सतीजा, मन्नत हॉस्पिटल नगरोटा सूर्या से। पिछले 2-3 दिनों से हम खबरों में, व्हाट्सएप पर वीडियोस के माध्यम से ये देख रहे हैं कि हिमाचल के अधिकतर घरों में फर्श गीला है। लोगों का मानना है कि पंखा चलाने के बावजूद, पोछा लगाने के बावजूद भी फर्श सूख ही नहीं रहा है। ऐसा हमने अपने घर में भी देखा, अपने पड़ोसियों के घरों में भी देखा। लोगों ने इसे अलग ही चमत्कार समझ लिया है। कई वीडियोस में तो लोगों ने इसे भूकंप के आने की संभावना भी जता दी है। अब ऐसा हुआ क्यों है, इसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है वो मैं आपको समझाती हूँ। इस वर्ष मौसम में अचानक तेजी से बदलाव आया है, तापमान अचानक तेजी से बढ़ गया है। हर वर्ष ऐसा नहीं होता था। हर वर्ष जनवरी फरवरी के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव आता था, मई जून में गर्मी बढ़ती थी, लेकिन इस बार तापमान बढ़ जाने की वजह से, तेजी से बढ़ जाने की वजह से हवा में नमी बढ़ गई है, जिसे हम ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, वो बढ़ गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हवा में पहले से ही भाप मौजूद होती है, लेकिन तापमान अचानक बढ़ जाने की वजह से ये ह्यूमिडिटी या नमी बढ़ गई है। और हिमाचल में क्योंकि खड्ड, नाले, नदी ये सब ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से हिमाचल की हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ये गर्म हवा जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है हमारे ठंडे घरों में प्रवेश करती है और हमारे ठंडे टाइल्स वाले फर्श या कंक्रीट वाले फर्श के संपर्क में आती है, तो जो हवा में मौजूद पहले से ही जो भाप है वो उस फर्श के संपर्क में आकर गीली पानी बन जाती है, फर्श गीला हो जाता है। इसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं या हिंदी में हम इसे वाष्पीकरण भी बोलते हैं। ऐसा हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं। जब आप फ्रिज से ठंडे पानी की बॉटल निकालते हैं और उसे थोड़ी देर के लिए बाहर रख देते हैं और थोड़ी देर के बाद जब आप उस बॉटल को टच करते हैं तो बॉटल आपको बाहर से गीली नज़र आती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसमें भी सेम प्रोसेस है। जब बाहर की गर्म हवा जिसमें नमी मौजूद थी उस ठंडी बॉटल के संपर्क में आती है तो हवा में मौजूद भाप पानी बन जाती है। ऐसा ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पहले से ही ठंडे होते हैं। और ऐसा उन घरों में भी जहाँ सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं आती हैं, जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो ये जो चीज़ है, जो फर्श गीला होने की जो प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा नज़र आ रही है। अब ये समस्या ख़त्म कब होगी? अब जब गर्मी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे हमारे घर भी तपने लग जाएंगे। तो क्या होगा कि बाहर के टेम्परेचर में और हमारे घर के टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो जब कंडेंसेशन, जो बहुत तापमान के अंतर की वजह से हो रहा था, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस धीमा होता चला जाएगा और लास्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो ये था इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण। लोग इसे अंधविश्वास या कोई चमत्कार ना समझें। हिमाचल से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।